इन चुनाव नतीजों के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का होता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के दिए गए फैसले के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी और कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और संसद में कानून बनने तक यही व्यवस्था जारी रहेगी। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। अब तक नामों का एक पैनल बनाकर भेजा जाता है। प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्ति हो जाती है। 5 जजों की बेंच ने उन याचिकाओं पर यह फैसला दिया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई से ये रुख तो साफ हो गया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा, इस पर हम याचिकाकर्ता से जानते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार उंगली उठाते थे, शायद आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करने में जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूं। अभी एक और जो लैंडमार्क इसमें जजमेंट है कि तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों को इक्वल प्रोटेक्शन रहेगा, इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। अब उनको हटाने का तरीका भी एक होगा। अभी क्या था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों इलेक्शन कमीशन को आप कभी भी सरकारी आदेश से हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तीनों की हटाने की प्रक्रिया एक हो गई है, तो दोनों इलेक्शन कमीशनर को जिनको की पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, मुझे लगता है ज्यादा वो ऑटोनॉमी के साथ, ज्यादा इंडिपेंडेंस के साथ, ज्यादा स्वायत्त होकर काम कर पाएंगे। तीसरा हमने इसमें मांग किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मांग मान लिया है, कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। वो कह रहा था संजय जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है जो रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, इलेक्शन कमीशन जो इतना लैंडमार्क काम करता है पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, उसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं था। अब होता क्या था कि कभी सरकारी जो सरकार से आदमी आते थे, कभी उसमें कृषि विभाग के कुछ लोग आ गए, कभी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ गए, कभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते थे इलेक्शन कमीशन, फिर वापस चला जाते थे। तो जो एक्सपर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं हो रहे थे। एक तो ये था कि वो ट्रांसफर पे आते थे, डेपुटेशन पे आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरव्यू करेगा, खुद ही अपना सिलेक्शन करेगा, और जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा वो रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक्सपर्ट भी रहेंगे, ट्रांसफर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा,